हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, आज से हम जल्दी जानेंगे कि क्या कुछ नया अपडेट्स आया है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या कुछ बड़े अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले दिनों में इस शेयर में बहुत अच्छी रैली ला सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा फ्रेंड्स आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने में, लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की अगर हम रैली देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5% के रिटर्न इसने दिए हैं और पिछले जैसे ही जून स्टार्ट हुआ ये कंटिन्यूसली अपर सर्किट में ये शेयर है और मई के एंडिंग में भी ये अपर सर्किट में आ चुका था। तो जब से मैं वो उस टाइम से बाय करने को बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको, जब ये शेयर ट्रेड कर रहा था 27 रुपीज़ पे और वहाँ पे मैंने बताया था कि ये 100 तक जा सकता है और फ्रेंड्स हमें वो रैली देखने को मिल रही है। 27 से ऑलमोस्ट 73 तक आ चुका है, तो ये और भी आगे बढ़ेगा फ्रेंड। उसके लिए मैं आपको वो बड़ा अपडेट बताना चाह रहा हूँ कि क्या अपडेट है या क्या बड़ी न्यूज़ है जिसके चलते ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है आने वाले कुछ दिनों में, अगर वैसा ही हुआ तो। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। अगर हम इस शेयर का होल्डिंग पैटर्न देखते हैं प्रमोटर्स का, ध्यान अच्छे से ध्यान दीजिए फ्रेंड। हम रिटेल इन्वेस्टर 82.82% शेयर इसके होल्ड करते हैं और अदर इंस्टीट्यूशनल जो है डोमेस्टिक हमारे वो है 9.44, ऑलमोस्ट 10%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है 2.75। लेकिन अगर प्रमोटर्स की बात करेंगे हम, जो कि ओनर है इस पर्टिकुलर कंपनी के, उनके सिर्फ 5% शेयर है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये डिटेल्स आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इसी से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट अभी हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनिल अंबानी टू रेस टेक इन रिलायंस इंफ्रा वाया क्रिपिंग एक्विजिशन। तो फ्रेंड्स, अनिल अंबानी ने अभी डिसाइड किया है कि ये शेयर्स यानी इनका जो स्टेक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5%, इसको वह रेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फैमिली इज लाइकली टू मेक टेंडर ऑफर इन द फर्म एंड इन्वेस्ट अनदर 500 करोड़। मतलब जो फंड रेस का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था वर्दे के साथ, ये लोग थोड़े बहुत फंड रेस करना चाह रहे हैं ऑलमोस्ट 550 करोड़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनकी फैमिली भी इस शेयर में अनदर 500 करोड़ का फंड रेस करना चाह रही है फ्रेंड्स, जो कि बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, अ डे आफ्टर अनाउंस्ड an investment of ₹400 crore in Reliance Infrastructure, the Anil Ambani family is likely to make tender offer in Reliance Infrastructure via creeping acquisition route and invest another 500 crore or 500 crore isme investment aane wala hai friends। To jo bhi words Anil Ambani ne diye hai 2022 tak Reliance Infrastructure ko debt free banane ka, wo hame dikh raha hai ki complete hone ke liye wo bahut acche se try kar rahe hai friends। To और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप यहाँ पे ये पढ़िए, एज पर मार्केट रेगुलेटर सेबीस गाइडलाइंस, सेबी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, अ टेंडर ऑफर इज मैंडेटरी व्हेन अ प्रमोटर स्टेक क्रॉसेस द 25% थ्रेशोल्ड। मतलब समझ रहे फ्रेंड्स आप, यहाँ पे है कितना 5% और ये रूल क्या कहता है कि अगर रिलायंस फैमिली को अगर 500 का फंड इसमें और ऐड करना है 500 करोड़ का, तो क्या होता है, तो मतलब वो करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, एज पर मार्केट रेगुलेटरी सेबीज गाइडलाइंस, ये लाइन ठीक से देखिए फ्रेंड्स, अ टेंडर ऑफर इज मैंडेटरी व्हेन प्रमोटर स्टेक क्रॉसेस 25% थ्रेशोल्ड। मतलब इस थ्रेशोल्ड को उनको 25 तक लेके जाना पड़ेगा अगर उनको वो वाला इन्वेस्टमेंट करना है जो न्यूज़ में अभी बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अभी इसमें बहुत तगड़ी बाइंग आने वाली है प्रमोटर्स ग्रुप से। प्रमोटर्स ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे और वो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के ही होंगे मुझे ऐसा लगता है, या फिर डोमेस्टिक या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत ही पावरफुल न्यूज़ है और ये बहुत ही बड़ा अपडेट है फ्रेंड। अगर प्रोमोटर्स 25% स्टेक अगर ओन करते हैं, इसका मतलब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने जा रहा है, यही इसको हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोमोटर्स होल्डिंग फिर से गेन कर रहा है कंपनी, इट मीन्स इट हैज़ द पॉजिटिव न्यूज़ एंड इट लाइक जो भी इनके प्रोमोटर्स है वो फ्यूचर देख पा रहे हैं फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का और वहाँ से वो अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस।
तो द प्रेफरेंशियल इशू अनाउंस ऑन संडे विल रेज द अंबानी फैमिली स्टेक टू 22% फ्रॉम 5% नाउ, जस्ट शॉर्ट ऑफ 25% मार्क एज पर बैंकिंग सोर्स. द टेंडर ऑफर विल बी एट द, जो भी इनका प्राइस है वो. तो देख सकते हो आप कि अगर ये जो अंबानी फैमिली के स्टेक 22% होते हैं, तो जस्ट ये अनदर 5% जो होते हैं, ऑलमोस्ट 25 के क्लोज चले जाते हैं फ्रेंड्स ये लोग. तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है फ्रेंड. अगर आपने ऑलरेडी इस मेरी वीडियोस रेफ़र करके 27, 28, 29 या 32, 35 तक मैंने वीडियो बनाए थे कंटिन्यूसली, अगर उस प्राइस रेंज पे आप इस शेयर को होल्ड करते हो, तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप होल्ड कीजिए. आपका शेयर जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको 3 times इसके रिटर्न्स देखे जाएगा, तो उतने तो वो फॉर श्योर देखे जाएगा अगर यहाँ पे प्रमोटर्स उनके स्टेक रेस करते हैं तो. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ा अपडेट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ. थैंक यू फ्रेंड्स.